हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नीलू स्वीट किचन में आप सबका दिल से स्वागत है। ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ यहाँ पे, फ्राई वाला। क्या लग रहा है आपको, वेजिटेरियन लग रहा है या नॉन वेजिटेरियन? नहीं बाबा, वेजिटेरियन ही है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, और आपके घर में हर रोज़ बन सकते हैं ये, और आपके घर में हर रोज़ ऐसे इसी तरीके सामान बचते हैं। बचे हुए सामान से मैं बहुत ही डिलीशियस बनाने की कोशिश की हूँ। क्या, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है मैदा। मैंने आटा लगाया था भटूरा का, तो भटूरे का आटा मेरा बच गया था, तो दोस्तों मैंने इसको उठा के रख दिया था। तो अब देखिए, इस आटे को मैं ऐसे, चाहे आप चाकू के मदद से या कैंची के मदद से, हाँ जो भी आप, जिससे भी कट लगाएं, आप उसको गर्म पानी से एक दो बार, जब आपका ऐसा लगे चिपक रहा है आटा ना, तो आप एक दो बार पानी से ऐसे बढ़िया से धुल लीजिए गर्म पानी से। तो दोस्तों, जब गर्म पानी से धुलने से कोई भी सीजर हो या चाकू हो, वो एकदम मतलब तुरंत छोड़ देता है। तो दोस्तों मैंने एकदम उबाल कर दिया है 3 से 4-5 मिनट तक। ये देखिए, उबाल कर ठंडे पानी से धुल कर, और यहाँ पे ये देखिए मैंने छान के निकाल लिया है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैंने चाकू से ही, आपने देखा पतला पतला मैंने कट करके पानी में नमक डालकर 3-4 मिनट के 5 मिनट के बाद निकाला है। तो ऐसे ठंडे पानी से धुल दिया ना, एकदम नूडल्स के काम हो रहे, जैसे चाउमीन वगैरह होते नहीं पतले पतले, तो बिल्कुल भी पास्ता के एकदम काम हो रहे हैं ये, जिस तरीके से आप कह सको सेम उसी तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने बेसन को ओनली सिर्फ नमक डालकर इसको फेंटा है। इसमें मिर्चा, गरम मसाला और चाट मसाला, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के देखिए मैंने रखा। ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च, गाजर, और ये देखिए प्याज, 2 सूखे मिर्च और धनिया पत्ती, और जाएंगे इसमें मटर। दोस्तों ये देखिए सॉस है, तो आप कोई भी, जैसे कि मंचूरियन वगैरह बनाते हो तो कोई भी सॉस डाल सकते हो, आपके पास जितना भी सॉस है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी, तो सोया सॉस जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए काले पीले सॉस सब यूज कर सकते हो। ये देखिए वही गुथे हुए आटे के हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास मैदा है तभी बनाएं, ये मैदा आपके पास नहीं है, बच्चे रोज़ हेल्दी आटे बच जाते हैं, जैसे कि डेली आप देखते हो गेहूं के आटे रोटी बनाते हैं ना, तो कभी ना कभी बच ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप पतले पतले ऐसे गर्म पानी में 6 से 7 मिनट तक उबाल कर, नमक डालकर और ठंडे पानी से निकाल दीजिए। बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो मैं फ्राई नूडल्स बना रही हूँ पास्ता, तो यहाँ पे देखिए नूडल्स पास्ता जो भी आप बोल दो। तो ये देखिए मैंने बेसन की जो कोटिंग इसमें लगा रही हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बन के आता है। अब इसको कैसे क्रंची बनाना है आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस बेसन में मैं कोटिंग कर दे रही हूँ बचे हुए आटे का, जो मैंने उबाल कर निकाला है वो नूडल्स। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको चम्मच से मैंने हिला डुला लिया है, अब 2 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद चलिए कढ़ाई में तेल डालते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लोकन की कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल मैंने थोड़ा ही डाला है, और अब थोड़ा थोड़ा मैं करके फ्राई करूँगी क्रंची होने तक। यकीन मानिए, मैं तो सोची भी नहीं थी सच में कितनी स्वादिष्ट बन जाएगी। इसी तेल में मैं थोड़ा सा बटर भी डाल दी हूँ, बटर से क्या होता है बहुत ही निखर के आता है वो, उसका कलर तो छोड़िए, स्वाद भी बहुत ही एनहांस होके आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एकदम मस्त मैं फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे डाल दिया है एक एक करके, और ऐसे धीरे धीरे मैं करके निकालूंगी, क्योंकि तेल मेरा थोड़ा है तो मैं थोड़े तेल में डाल रही हूँ। इसको फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन तक, इतनी क्रंची। चाहे तो आप इसके ऊपर ना स्प्रिंकल कर दीजिए मिर्ची और ओरिगेनो, और उसके बाद नमक, ऐसे ही आप चाय के साथ स्नैक्स तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी अलग बनाऊँगी। ग्रेवी क्या मतलब थोड़ी चटपटा टाइप का आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्राई हो चुका है एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे बैच टू बैच मैंने 2-3 बैच निकाल दिया है। अब इसी तेल में मैं डालूंगी थोड़ी सी मिर्ची सूखे, और उसके बाद दोस्तों रेड मिर्ची आप अपने हिसाब से, यहाँ हरी और सूखी दोनों मिर्ची डाली। फिर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है नूडल्स वगैरह में।
तो यहाँ पे देखिए नूडल्स घर पे होममेड नूडल्स कितना बढ़िया बना था, आप एक बार बना के देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीलू स्वीट किचन को एक लाइक ठोकी देना चाहते जाते। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर गाजर डाला है जो मैंने कट करके रखा था। तो अब इसके बाद मैं डालूँगी हरे मटर, आप वेज अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास होंगे आप उतना सारा डाल सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप ये डालो वो डालो, जितना मेरे पास था मैंने ले लिया है, आपके पास जितना हो। तो यहाँ पे प्याज देखिए मैंने डाला, उसके बाद मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, कैप्सिकम, और ये दोनों तीनों चारों मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको पकाना नहीं है, लेकिन जैसे हम मोमो या मंचूरियन के लिए बनाते हैं ना, या नूडल्स में डालते हैं तो बहुत ही हल्का पकाते हैं, सेम उसी तरीके से। फिर मैंने डाला चिल्ली फ्रेश, और उसके बाद डालूँगी थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ी सी आधे आधे चम्मच सब डाल रही हूँ, फिर ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर चलाऊंगी बलाऊंगी। उसके बाद थोड़ी सी मैंने डाला हल्का सा हल्दी पाउडर, और दोस्तों थोड़ा सा नमक डाल के, और फिर इसको क्रंची होने तक थोड़ा सा हल्का सा 2-3 मिनट पकाना है। फिर मैंने डाला पत्ता गोभी, जैसे कि बिना पत्ते गोभी के कोई भी ऐसे नूडल्स मंचूरियन चाउमीन ये सब फुल इंजॉय करने का मन नहीं करता, और फुल कम्प्लीट नहीं होता, तो पत्ता गोभी तो ज़रूरी है, बंद गोभी तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ कैप्स सारे वेजिटेबल्स मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद आप जो भी सॉस आपके पास हो, सोया सॉस और चटनी या कोई ऐसे पिज्जा सॉस, आप सब यूज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी सॉस डाल दिया है। सॉस डालने के बाद उसके बाद मैं डाली थोड़ी सी इसमें, देखिए अब ये हल्का सा अब सारा मसाला हल्का हल्का हो ही गया है, और हल्का सा भाप की मदद से पक चुका है। अब ये फ्राई नूडल्स में डाल दे रही हूँ इस वेज में, तो वेजिटेरियन बहुत ही डिलीशियस लगता है दोस्तों। यकीन मानिए आप हर चीज़ खाना भूल जाएंगे इसके आगे, जब मन करेगा आप दोस्तों रोज़ बनाना चाहेंगे। पहली बात, दूसरी बात ये कि आप इसको ना बच्चों के टिफ़िन में बहुत ही चाव से बच्चे खाएंगे, दे सकते हैं, और शाम के सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ ले लीजिए, सर्व कर रही हूँ मैं, और गजब की लग रही है, एकदम खिला खिला, देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, चिपका चिपका। अगर आप और ग्रेवी चाहिए तो आप वही ग्रेवी बढ़ा दीजिए, हर चीज़ जैसे आप डालते हो ना, तो वही थोड़ा थोड़ा सॉस ज़्यादा कर दीजिए, हल्का सा पानी डाल दीजिए। तो इस तरीके से बताइएगा मेरा होममेड नूडल्स होममेड पास्ता कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार बताइएगा, बनाइएगा सॉरी और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो मेरा देखते हो आप लोग बड़े चाव से, तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं इस तरीके से वीडियो लाऊंगी। लाइक ज़रूर कर दे।